हेलो गाइज, आई होप यार आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज आज मेरा मुकाबला होता है दो छपड़ी नुबड़ो से, और फर्स्ट राउंड में डेजर्ट ले लेता हूँ। ये सब लेने के बाद गाइज मैं जल्दी से जाता हूँ और उनके साथ फाइट करता हूँ। यहाँ पे ये दोनों मेरे पे फुल रश कर रहे थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कैसे इन दोनों को मारूँ, फिर भी मैं मारने इनको। तो यहाँ पे गाइज उनकी मूवमेंट इतनी फास्ट थी, और गाइज मैंने भी ये सोच रखा था कि इनको कैसे भी मारना है, चाहे 2v1 कस्टम हो फिर भी मैंने मारना है। और गाइज मेरे मन में भी ये डर था कहीं मैं इनसे बुरी तरह ना हार जाऊं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। और यार यहाँ पे उसका एक बंदा मेरे को फिर से मारने का ट्राई करता है, बट मैं कैसे भी वहां से निकल जाता हूँ। यहाँ पे गाइज जोन भी छोटा हो चुका था और मैं अभी तक एक बंदे को भी डाउन नहीं कर पाया था। तो यार मुझे यहाँ पे ऐसे लगता है कि मैं ये राउंड तो हारने वाला हूँ बहुत गंदी तरह। और गाइज यहाँ पे फर्स्ट राउंड बहुत एंड तक चलता है, मतलब कि गाइज जोन खत्म होने वाला था फिर भी यहाँ पे फाइट चल रही थी हमारे भी। और गाइज मैं दोनों को इतनी गोलियां मारता हूँ फिर भी इनमें से कोई नहीं मर रहा था, मतलब गाइज ये बार बार हील हो रहे थे अपने आप। और गाइज यहाँ पे जोन इतना छोटा हो जाता है कि एक बार तो मैं भी जोन से बाहर निकल जाता हूँ, फिर ग्लूबल के बीच से आके मैं इनको बैठ के मारने का ट्राई करता हूँ, बट क्या होता है ये दोनों बाहर चले जाते हैं और एलिमिनेट हो जाते हैं। यहाँ पे गाइस मैं फर्स्ट राउंड जीत चुका था। और जैसे ही गाइस यहाँ पे सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, मैं यहाँ पे यूएमपी ले लेता हूँ। डेजर्ट ईगल के साथ मेरे पास यूएमपी थी, तो यार मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करते टाइम मैं सामने से चला जाता हूँ और यहाँ पे दो चार ग्लूबल लगा देता हूँ, कहीं वो आगे से ना आ जाए मेरे। और जैसे ही गाइज मैं यहाँ पे कंटेनरों के बीच से निकल के जाता हूँ, मैं क्या देखता हूँ वो दोनों सामने ही खड़े हैं, और मैं यहाँ पे सामने ग्लूवल लगा के देखता हूँ एक बंदा बाहर आया, उसको बहुत ही गंदे वाला हेड लगता है। और गाइज मैं यहाँ पे उसको पूरा मारने के चक्कर में मैं यहाँ पे मरने वाला था, बट उसका दूसरा टीममेट मेरे सामने आ जाता है शॉटगन लेके, और वो गाइज मेरे पे फायर भी करता, बट मैं उससे पहले ही ग्लूवल लगा लेता हूँ। जैसे वो बाहर आता है मैं उसको हेड मारने का ट्राई करता हूँ कि उसको भी एक ही हेड में खत्म कर दूं। और गाइज वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था, जिस वजह से वो ग्लूवल लगा के वहीं पे हील होने लगता है। मैं उसको बाहर आने का वेट करता हूँ ताकि वो बाहर आए और मैं उसको बहुत गंदे वाला हेड मार। यहाँ पे गाइज वो बंदा भी काफी अच्छा खेल रहा था, और गाइज मैं उसको मारने के चक्कर में उसकी ग्लू में ही चला जाता हूँ, फिर मैं जल्दी से बाहर आता हूँ और गाइज उसको मैं बहुत गंदा डैमेज कर देता हूँ। वो भी मेरे को मारने की ट्राई करता है बट मार नहीं पाता, इससे पहले ही मैं निकल जाता हूँ वहां से। यार यहाँ पे मैं उससे सेकंड राउंड भी जीत चुका था। अब गाइज यहाँ पे स्टार्ट होता है थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में गाइज मैं ले लेता हूँ शॉटगन। शॉटगन से गाइज काफी अच्छे है लगते हैं, पागल M10 का तो आप जानते ही होंगे वो कितने अच्छे हेड मार देता है, तो मैं भी सोच रहा था उनकी तरह ही मैं भी हेड मारूं। और यार वो मेरे से थोड़ा दूर चले जाते हैं जिस वजह से मैं उनको शॉटगन नहीं मार पाता, बट यहाँ पे मेरे सामने एक बंदा आता है, मैं उसको हेड मारने का ट्राई करता हूँ, बट ये हेड लगता नहीं, मेरा इंटरनेट चला जाता है या गेम लैग हो जाती है, पता नहीं क्या होता है, बट यहाँ पे गाइज मैं मर जाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे स्टार्ट होता है फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड में मैं फिर से यूएमपी ले लेता हूँ, दूर से ही मारने का ट्राई करता हूँ, बट दूर से नहीं लगता है, एक बंदा मेरे सामने आ जाता है, मैं उसको मारने का ट्राई करता हूँ, उसके पास जाता हूँ। तो गाइज जैसे ही मैं उस बंदे के पास जाता हूँ वो बंदा बाहर की साइड चला जाता है। जैसे ही मैं उसके पास जाता हूँ पीछे से मेरे को एक और बंदा मार रहा था, उसी का टीममेट। और गाइज उसे बचने के लिए मैं पीछे ग्लू वॉल लगा लेता हूँ, इतना ही मैं सामने वाले को मारने जाता हूँ, इसको टीममेट्स मेरे को पीछे से हेड दे देता है। तो गाइज यहाँ पे स्टार्ट होता है फिफ्थ राउंड। फिफ्थ राउंड में मैं ले लेता हूँ MB2। और गाइज यहाँ पे मैं MB2B इसलिए लेता हूँ, MB2B से हम ग्लूवल के आर पार भी मार सकते हैं, इसलिए मैंने MB2B ली थी कि ग्लूवल से आर पार मार के इनको जल्दी से खत्म कर दूंगा दोनों को। तो यार यहाँ पे कुछ उल्टा ही सीन हो जाता, मतलब कि MB2B मैं इतनी अच्छी नहीं चला पा रहा था कि इन दोनों को मार दूं, इसलिए मेरे को डर लग रहा था कि कहीं मैं ये मैच हार ना जाऊं इनसे। तो यहाँ पे गाइज मैं MB2B को छोड़ के डेजर्ट चलाने लगता हूँ। डेजर्ट से अच्छे खासे हेड लग जाते हैं, इसलिए मैंने डेजर्ट निकाली थी कि MB2B से तो मैं हार जाऊंगा, डेजर्ट से अच्छे ही हेड लग जाएंगे। और यहाँ पे यार मैं बहुत ज्यादा डैमेज होता हूँ, जिस वजह से मैं थोड़ा घूम के पीछे के जाने का ट्राई करता हूँ ताकि मैं वहां जाके एक मेडिकेट लगा सकूँ। हालांकि गाइज मेरे पास स्काइलर था, स्काइलर का तो आप लोगों को पता ही होगा जितनी ग्लू वॉल लगाओगे वो उतनी जल्दी ही हेल्थ फुल कर देता है। तो यार मेरी हेल्थ फुल हो चुकी थी और मैं इनके साथ फिर से फाइट लेने लगता हूँ। जैसे ही गाइज वो बाहर आता है मैं उसको मारने का ट्राई करता हूँ, इसलिए मैं इसको दूसरा बंदा मेरे को वन टैप देने की कोशिश करता है, जबकि उसका वन टैप नहीं लगता। यहाँ पे यार मैं बहुत गंदा वाला फंस चुका था, जिस वजह से मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। आगे से मेरे इसके एक टीममेट्स मिलता है जिसको मैं मारने के चक्कर में यहाँ ग्लूवल से घूम के जाता हूँ, और घूमने के चक्कर में गाइस मेरे को एक गोली लग जाती है, जिस वजह से मेरी वेस्ट पूरी डैमेज हो जाती है। और यार यहाँ पे मैं डैमेज भी बहुत ज्यादा हो जाता हूँ, जिस वजह से मेरे को लगता है कि अब तो मैं पक्का हारने वाला हूँ। और यार जैसे ही मैं थोड़ा पीछे आता हूँ इसके एक बंदा मेरे सामने आता है, उसको बहुत ही गंदे वाला है लगता है, और इसका दूसरा बंदा भी इसको सीधा ही रिवाइव करने के लिए आ जाता है। गाइज मैं उसको भी हेड मारने का ट्राई करता हूँ, बट वो इस तरह से भाग जाता है कि मैं उसको हेड मार ही नहीं पाता। फिर यार यहाँ पे मैं डेजर्ट ही निकाल लेता हूँ, हालांकि इसको हेड नहीं लग रहा था फिर भी मैं डेजर्ट से इसको बॉडी शॉट से ही मार देता हूँ। और गाइज यहाँ से ही मैं इन पे ये राउंड जीत चुका था। तो जैसे ही गाइज नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है मैं फिर से यूएमपी ले लेता हूँ। यूएमपी से अच्छे खासे हेड लग जाते हैं, इसलिए मैंने यूएमपी ले ली।
गई थी। और अब की बार गाइस इसका एक ही बंदा सामने आता है, दूसरा बंदा इसका पीछे ही रहता है वो। बट गाइस मैं यहाँ पे गलत था, उसका बंदा पीछे नहीं रहता, वो पीछे से घूम के आता है और पीछे से मेरे को फायर कर बैठता है। जैसे ही गाइस उसका बंदा पीछे से फायर करता है, मैं उसी टाइम अपने आप को ग्लू होल में पैक कर लेता हूँ और हील होकर जल्दी से बाहर आके उसके एक बंदे को डाउन कर देता हूँ। उसको डाउन करने के बाद गाइस मैं जाता हूँ दूसरे बंदे के पास जो कि अपने आप को ग्लू होल में पैक करके हील कर रहा था, वो भी मेरे सामने से जाता है, मैं उस पर ही फायर करता हूँ। बट गाइस वो ग्लू होल लगा लेता है और यार यहाँ पे मेरे साथ मजाक हो जाता है, मतलब कि भाई मेरी गन में सिर्फ एक ही गोली बची थी। और यार यहाँ पे मैं जल्दी से ग्लू होल डाल लेता हूँ जिससे मैं बाल बाल बच जाता हूँ। और हील करने के बाद जैसे मैं बाहर निकलता हूँ वो बाहर आता है और उसको सीधा ही हेड मार देता हूँ और ये राउंड में मैं जीत जाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता ही गाइस वो मेरे को इतना बुरा मारता है कि मैं ग्लू होल लगा लगा के कैसे ही बचता हूँ और अपने आप को ग्लू होल में पैक कर देता हूँ। पैक होने के बाद गाइस जैसे ही मैं मेडिकेट करता हूँ वो स्काइलर से मेरी ग्लू होल तोड़ देते हैं और मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज कर देते। तो यार यहाँ पे मैं फिर से ग्लू होल लगा लगा के थोड़ा पीछे आ जाता हूँ और फिर से अपने आप को पैक कर लेता हूँ, साथ में हिल भी कर लेता हूँ। फिर मैं उछल के देखने लगता हूँ कि वो दोनों कहाँ पर है। तो भाई जहाँ से रास्ता खाली होता है मैं वहीं से स्काइलर के साथ ग्लू होल को तोड़ देता हूँ और जैसे ही मैं बाहर आता हूँ गाइस वो मेरे पे फायर करते हैं और मैं गाइस बाहर निकल के उनको थॉमसन से मारने ट्राई करता हूँ बट वो मेरे को वन टैप दे देते हैं। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होते ही मैं डेजर्ट से उनसे मारने लगता हूँ जबकि मेरे पास शॉटगन और MP40 थी, बट मेरे को डेजर्ट ज्यादा अच्छी चलानी आती थी तो इसलिए मैं डेजर्ट निकाल लेता हूं। तो गाइस उसका एक बंदा बाहर आता है और उसको बहुत ही गंदे वाला हेड लगता है डेजर्ट ईगल से। फिर मैं दूसरे बंदे को मारने जाता हूँ, जैसे मैं उसको मारता हूँ वो मेरे को आधा डैमेज कर देता है शॉटगन से। तो गाइस मैं भी यहाँ पे शॉटगन निकाल लेता हूँ, हालांकि मेरे को पता चल चुका था कि यहाँ से डेजर्ट से नहीं होने वाला कुछ काम, तो मैं यहाँ पे शॉटगन निकाल लेता हूँ क्योंकि गाइस वो भी शॉटगन ही चला रहा था। तो यार जितनी देर में मैं बाहर आता हूँ घर से निकल के, उतनी देर में गाइस वो अपने बंदे को रिवाइव दे देता है और रिवाइव देने के तुरंत बाद ही गाइस वो बाहर आता है ग्लू होल से और मेरे साथ फाइट करने लगता है। जैसे वो नीचे बैठता है मैं उसको अच्छे वाला वन टैप दे देता हूँ। फिर उसका दूसरा बंदा भी एकदम से बाहर आ जाता है और उसको भी अच्छा खासा लगता है और वो दोनों मर जाते हैं। और गाइस अब चल जाता है नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड का मतलब गाइस मेरे को एक और राउंड जीतना था और मैं पूरा का पूरा मैच उनसे जीत जाता। यहाँ पे गाइस मैं उसे 6 राउंड जीत चुका था और वो मेरे से 5 राउंड जीत चुके थे। और गाइस यहाँ पे मैं एक बंदे को पहले ही डेजर्ट से हेडशॉट मार चुका हूँ और अब मैं दूसरे बंदे को भी डेजर्ट से ही हेडशॉट मारने का ट्राई करता हूँ। बट गाइस वो ग्लू होल लगा के पीछे ही खड़ा रहता है, आगे आता ही। और यहाँ पे गाइस जैसे ही वो बाहर आता है मैं उसके पास जाके उसके मारने का ट्राई करता हूँ और मूवमेंट करके थोड़ा और पास चला जाता हूँ। और यहाँ पे गाइस जैसे वो बाहर आता है मैं उसको एक ही गोली मारता हूँ और वो मर जाता है और मैं यहाँ पे गाइस गेम जीत चुका था।